इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कैसे ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में डिफरेंट मेन इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है लाइक ओ एच ई ओ एच ई स्टैंड फॉर ओवर हेड इक्विपमेंट मतलब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ओ एच ई के हेल्प से लोकोमोटिव तक कैसे पहुंचता है ओ एच -E ई में हम लोग ओवर हेड कंडक्टर का यूज करते हैं इसमें दो वायर का यूज किया जाता है ऊपर में जो वायर रहता है उसको कैटेनरी वायर बोलते हैं एंड उसके नीचे जो वायर रहता है वो कॉन्टेक्ट वायर होता है हम लोग एक कंडक्टर के हेल्प से भी लोकोमोटिव को ऑपरेट करा सकते हैं बट कंटिन्यूस स्मूथिंग सप्लाई के लिए एट डिफरेंट हाइट कैटेनरी वायर का यूज करते हैं कैटेनरी वायर के साथ कॉन्टेक्ट वायर कनेक्ट रहता है एंड जिस वायर के हेल्प से कॉन्टेक्ट में रहता है उसको ट्रोपर बोलते हैं ओ सिस्टम में ट्वेंटी किलो वोल्ट सिंगल फेज ए करंट करेंट रहती है जब डीसी सप्लाई का यूज कर रहे थे तो तो वोल्टेज कम रहता था जिससे करंट की जो वैल्यू थी वो काफ़ी हाई रहती थी एंड वो अच्छी सिस्टम में करंट का ज़्यादा लॉस होता था दैट इज़ आई स्क्वायर आर लॉस सो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हाई वोल्टेज ए सप्लाई का यूज़ करते हैं इसमें भी ट्वेंटी फाइव किलो ही क्यों लेते हैं इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का नेक्स्ट इक्विपमेंट है पेंटोग्राफ पेंटोग्राफ एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसका यूज़ ओ सिस्टम में करेंट को कलेक्ट करके लोकोमोटिव में सप्लाई करने के लिए किया जाता है वो पेंटोग्राफ इज़ द करेंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट पेंटोग्राफ डिफरेंट टाइप्स का होता है लाइक डायमंड टाइप पब्ली टाइप बो टाइप पोल टाइप क्रोस आर्म टाइप एक्सेट्रा ट्रैक्शन सिस्टम में फैबली टाइप पेंटोग्राफ का मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है नेक्स्ट इक्विपमेंट है सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर का यूज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है लोकोमोटिव में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है उसके अंदर यूज होने वाला डिफरेंट मेन इक्विपमेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है फ्रॉम सर्ज और लाइटनिंग नेक्स्ट है ऑन लोड टैप चेंजर ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड में ऑन लोड टैप चेंजर लगा हुआ रहता है जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिक सप्लाई को वैरी कर सकते हैं एंड रिक्वायर्ड अमाउंट में मोटर को सप्लाई मिलती है इस नो लोड टैप चेंजर के हेल्प से मोटर के स्पीड को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय बैरिंग द वोल्टेज नेक्स्ट इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मेन एलिमेंट होता है लोकोमोटिव में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है जिसका मेन पर्पस होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना मतलब इसके प्राइमरी में 25 फाइव किलो वोल्ट मिलती है एंड इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज मिलता है उसका वैल्यू अबाउट 300 हंड्रेड टू फोर वोल्ट होता है जिसको मोटर में हम लोग सप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मर जब वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है देन जो सप्लाई होती है वो रेक्टिफायर में जाती है रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जिसके हेल्प से ए करंट को हम लोग डी करंट में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो सकता है कि डी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में मोस्टली डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टोर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है एंड डीसी मोटर है तो डीसी सप्लाई से ऑपरेट होगी इसलिए यहाँ पर एसी सप्लाई को हम लोग डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं वैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का भी यूज किया जाता है पर हम लोग डी सीरीज मोटर को कंसिडर करके समझ रहे हैं रेक्टिफायर जब ए सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है तो प्योर डीसी करंट नहीं मिलती है इसलिए उस डी करंट को स्मूथिंग चौक में ले जाते हैं स्मूथिंग चौक जो है वो पल्सेटिंग डी को प्योर डी में कन्वर्ट करता है मतलब उसमें जो ट्रांजिएंट या फिर पल्स होता है उसको एलिमिनेट कर देता है एंड उसको प्योर डी में कन्वर्ट करता है स्मूथिंग चौक को स्मूथ रिएक्टर भी बोला जाता है इसके बाद फाइनली उस प्योर डीसी को ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई करते हैं जनरली एज अ ट्रैक्शन मोटर डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए प्योर डीसी को सप्लाई करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि इसमें सर्किट कंप्लीट कैसे होती है क्योंकि पेंटोग्राफ से ओनली पॉजिटिव वायर आती है इसको समझना काफ़ी सिंपल है सपोज यहाँ पर ट्रैक्शन सब स्टेशन का मेन ट्रांसफॉर्मर है जिसके प्राइमरी साइड 132 थर्टी किलो वोल्ट आ रहा है एंड सेकेंडरी साइड उसको स्टेप डाउन करके ट्वेंटी फाइव किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है जिसको पेंटोग्राफ जो है वो कलेक्ट करता है सिंस्ट्रक्शन ट्रैक्सन सब स्टेशन में ही ट्रांसफॉर्मर का जो न्यूट्रल टर्मिनल होता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है सो पॉजिटिव वायर से पेंटोग्राफ करेंट को कलेक्ट करता है एंड मोटर में जाने के बाद ट्रैक एक्सल के थ्रू ग्राउंड हो जाता है एंड इस तरह से वहाँ पर सर्किट कंप्लीट होती है सो so, इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के डिफरेंट मेन इक्विपमेंट्स को समझा ट्रैक्शन सिस्टम से रिलेटेड और भी टॉपिक्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्रैक्शन सिस्टम के प्ले पेज पर पे जाकर चेक कर सकते हैं देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फर्स्ट वन इज क्लीननेस जब हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे किसी टाइप का स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है इस टाइप के सिस्टम से किसी टाइप का पोल्यूशन ओकर नहीं होता है और एनी टाइप ऑफ फ्लू गैसेज प्रोड्यूस नहीं होती है नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ओनली 50 परसेंट होता है कंपेयर टू अस्टीम लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव एंड इसका मेंटेनेंस टाइम भी बहुत कम होता है नेक्स्ट है स्टार्टिंग टाइम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो एट अ मोमेंट स्टार्ट हो सकता है जबकि स्टीम टाइप लोकोमोटिव को स्टार्ट करने में अबाउट टू हावर का टाइम लग जाता है सो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो स्टार्टिंग टाइम है वो वेरी फास्ट होता है इसका नेक्स्ट एडवांटेज है स्टार्टिंग टॉर्क। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जनरली डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है जिसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें लो स्पीड पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है हैंस इट इज़ पॉसिबल टू अचीव हायर एक्सलरेसन ऑल्सो इट्स एडिशनल एडवांटेज लाइक हाई सेडुलल स्पीड इंक्रीज ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी इसका नेक्स्ट एडवांटेज है ब्रेकिंग तो हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिस्टम का यूज करते हैं तो वहाँ पर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का यूज कर सकते हैं जिसका मेनी एडवाटेज होता है कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो हाइट है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू स्टीम लोकोमोटिव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंपरेटिवली लो अब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हैज हायर कोफिस ऑफ अधेशन। इन्स देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेज जबकि स्टीम इंजन में रेसिप्रोकेटिंग के कारण अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस होता था सो दीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें